तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू प्याज के बहुत ही टेस्टी पकौड़ों की रेसिपी। इन्हें बनाने के लिए ना तो हमें बेसन की जरूरत होगी और ना ही सूजी की। बिना सूजी बेसन के भी ये नाश्ता काफ़ी समय तक क्रिस्पी रहता है। अगर आप एक ही तरह का नाश्ता खा के बोर हो गए हैं तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज को स्लाइस में काट के लिया है, इनको बाउल में डाल देते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं जिन्हें हमने कद्दूकस करके लिया है, इनको भी बाउल में डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 7 से 8 कड़ी पत्ता को हमने बारीक काट के लिया है, इनको डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक जिसे हमने कद्दूकस करके लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही इसमें कलर अच्छा है इसके लिए हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। तो हमने यहाँ पर 1 कप चावल का आटा लिया है। अब इसमें से हम 1/2 आटा डाल देंगे और 1/2 हम इसमें बाद में डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ये पकौड़े खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और एकदम क्रिस्पी बनते हैं। तो हमने 1/2 आटे को मिक्स कर लिया है। अब बाकी का बचा आटा भी हम इसमें डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हम इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है, इसका सॉफ्ट बैटर बना के तैयार करना है। तो हमने इसमें टोटल 1/4 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से हम बाइंड करके देख लेंगे। तो बैटर बन के तैयार है। अब हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इस तरीके से इसको रोल करती हुई इसकी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप अपनी पसंद के अनुसार इसे बड़े या छोटे साइज में बना सकते हैं। आप इसको प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से हम बाकी की बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों आप इन्हें ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स के रूप में या फिर जब कभी कोई मेहमान आ जाए झट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमने सारी बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब एक एक करके हम सारे बॉल्स इसमें डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम कर देंगे। तो हमने सारे बॉल्स डाल दिए हैं, अब इनको एक तरफ से फ्राई होने देंगे। जब ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तभी इनको पलटिएगा। तो इनको फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इनको पलट देते हैं। और अब हम इनको पलटते पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात, हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, इससे अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बाहर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इनको फ्राई होने में 4 से 5 मिनट का समय लगेगा और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो इनको फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी एकदम क्रिस्पी नाश्ता बन के तैयार है। आपने ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स के रूप में या फिर जब कभी कोई मेहमान आ जाए झट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इन्हें बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।